subscribe now and press the bell icon. Varun Dhawan, Shraddha Kapoor और Nora Fatehi की most awaited film Street Dance 3D को box office पर release हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि फिल्म की कमाई में केवल मामूली गिरावट दर्ज की गई। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच हुए डांस मुकाबले की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। हालांकि मंगलवार को ये फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। कमाई के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांस 3D ने पांचवें दिन यानी मंगलवार को 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ऐसे में फिल्म ने 5 दिन में 46 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, लेकिन इसके अभी कोई आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की स्ट्रीट डांस 3D को समीक्षकों से तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन फिल्म ने अपनी कहानी से दर्शकों का दिल जीत लिया है। पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग करने वाली स्ट्रीट डांस 3D तीसरे दिन भी धमाकेदार कमाई करती नजर आई। इस फिल्म के साथ कंगना रनौत की पंगा भी रिलीज हुई थी, लेकिन स्ट्रीट डांस ने उसे कड़ी टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बता दें कि स्ट्रीट डांस 3D फिल्म NRI सहज की कहानी पर आधारित है। सहज इंडिया से काफी सारा पैसा लेकर लंदन लौटते हैं और डांस प्रैक्टिस के लिए एक जगह खरीदते हैं। सहज का बड़ा भाई डांस बैटल के फाइनल राउंड में चोटिल हो जाता है और कंपटीशन हार जाता है, जिसके बाद सहज का सपना होता है कि वो उस बैटल को जीते, लेकिन उसकी टीम कमजोर होती है। वही इनायत का डांस ग्रुप पाकिस्तान से होता है। ऐसे में एक रेस्टोरेंट के ओनर राम प्रसाद के यहाँ दोनों ग्रुप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, तभी आपस में दोनों ग्रुप की लड़ाई हो जाती है। फिर शुरू होता है डांस को लेकर बैटल। अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाएं और ये फिल्म जरूर देखें। और अगर आपको बॉक्स ऑफिस की और बॉलीवुड की और बड़ी खबरें जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।